गुड मॉर्निंग, हाय फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? जरूर अच्छे होंगे, सुस्त होंगे। आज सोमवार है, सुबह का अभी 9 बज चुका है। नाश्ता नहीं बनाए, बच्चा लोग ब्रेड खाएंगे, खाएगा बोल के बोल रहे, तो इसीलिए मतलब चाय दे के ब्रेड खाया उन लोग। उसका पापा मूढ़ी और घुघनी का जो बनाए थे मटर का, वो घुघनी था खाएँ, हम भी ब्रेड खाएँ। बर्तन नहीं धोए हैं, अभी बर्तन धोएंगे, सब्जी बनाएंगे। सब्जी अभी लाए हैं, रख दिए, दिखाए नहीं। देखिए कलमी साग है, कलमी साग फ्राई करेंगे। दो गो लाए थे, एक गो रख दिए हैं, कोई खा नहीं रहा, बेकार सब, डॉगी लोग को देना पड़ रहा है। सब्जी लाए हैं जो धोए हैं, अभी रखेंगे उसको फ्रिज में। मछली का खट्टा बनाए हैं, कच्चा हमको सुखा के जो रखता नहीं, बंगाली में उसको आमसी बोलता है, उसी में उसको सोसो जीरा थोड़ा पीस के, पांच फोड़न और सूखा मिर्चा दे के छूक लगा के मछली दे के खट्टा बनाए, बच्चा लोग का मुँह को अच्छा लगेगा। मीठा वाला कलमी साग ट्राई कर रहे हैं, लहसुन और सूखा मिर्चा देखिए, हरा मिर्चा देखिए भी करने से अच्छा लगता है। अपना अपना तरीके से, कोई प्याज देखिए करता है, कोई लहसुन देखिए करता है, हमको लहसुन और सूखा मिर्चा देखिए करते हैं, कभी कभी हरा मिर्चा भी देते हैं। ये आलू, बैंगन, टमाटर, मछली तो हम रोज़ बनाते हैं। ये आम का खट्टा बनाए हैं, मीठा वाला। ये जो आम सूखा हुआ है, आमसी बोलते हैं इसको, इसमें मछली देके बनाए हैं। ये देखिए बनाए हैं, थोड़ा सा मुँह बच्चा लोग का मुँह में अच्छा लगेगा खाने के लिए बोल के इसको बनाए हैं। मछली फ्राई है, दोनों भाई बहन फ्राई वाला मछली खाता है, एक कलमी साग का फ्राई, ये मछली का तेल का फ्राई। सब्जी बना लिए हैं, चावल नहीं बनाए हैं, बनाएंगे अभी, चावल बनाएंगे, बर्तन धोएंगे, जो सब सब्जी उब्जी बनाओ वही सब, नाश्ता वाला तो बर्तन धो ही लिए हैं। खाना बना लिए, खाना बना लेने के बाद गैस से पूछ लिए, पूछने के बाद हम नहाने गए थे, नहा करके कपड़ा वपड़ा धो के नहा के आए, सबको लंच कराए, बच्चा लोग थोड़ा थोड़ा लंच किया, सबको लंच करने के बाद सब पूछ पाछ करके बर्तन वर्तन धो लिए हैं, अभी जा रहे हैं थोड़ा सोएंगे, नहीं दिखा पाए, थोड़ा तकलीफ है इसीलिए नहीं दिखा रहे हैं। जितना हो सक रहा अपने कर रहे हैं, बेटी करती थी कैमरा, उससे नहीं हो रहा इसीलिए हम अपने से करके दिखा रहा, अपने स्टैंड वाला कैमरा नहीं है, हाथ में पकड़ के कर दिखाना बड़ी प्रॉब्लम हो रहा, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम है, ठीक हो जाएगा सब कुछ। बर्तन वर्तन धो लिए हैं, गैस वैस पोछ के सब रेडी हो गया, अभी जा रहे हैं थोड़ा
रेस्ट करें। जमशेदपुर में अभी रोज बारिश शुरू हो गया, रोज शाम को बारिश हो रहा, हवा बारिश देखिए ना, पूरा बारिश हो रहा, पूरा मौसम पूरा। आज हवा इतना दिया था, पहले दिया था, अभी खाली बारिश हो रहा। बिजली कड़क रहा आसमान में, डर लग रहा है। पानी फ्रिज में नहीं रख रहे हैं, पानी फ्रिज का कोई नहीं पी रहा, बाहर फ्रिज का बोतल वैसे ही, बाहर का बोतल में ऐसे पानी गर्म कर नहीं सकते पी रहे। सब कोई नहीं, बच्चा लोग ज्यादा तक रहे, लड़का तो हमेशा पीता। प्याज कटे हैं, थोड़ा सा पकौड़ी बनाएंगे, बैगनी बनाएंगे, बैगनी और आलू को भी छोटा सा आलू कटे हैं पतला पतला करके, उसको भी बेसन देके छानेंगे। आज बच्चा लोग को मूढ़ी खाने को मन है, इसीलिए बना रहे हैं। बेसन घोल रहे हैं, बेसन में थोड़ा नमक और खाने वाला जो सोडा है वही दे करके थोड़ा उसको घोल रहे हैं। कढ़ाई में तेल डाल दिए हैं, कढ़ाई में तेल डाल रहे हैं, गरम हो रहा है, इधर बेसन घोल लिए हैं। और बच्चा लोग का तबीयत ठीक है, थोड़ा ठीक लग रहा मन। कढ़ाई गरम हो गया है, ज्यादा नहीं बनाएंगे, बच्चा लोग नहीं खा रहा तो बर्बाद हो रहा है, क्यों बर्बाद करे अभी कोरोना काल में चीज सामान। मेरा बर्बाद नहीं होता है, बाहर का जो डॉगी है वो लोग खा लेता है।
अभी पकौड़ी छान रहे हैं। इधर हो गया बैगनी और आलू, एक तो छोटा छोटा पतला करके काट के उसको बेसन में लिप के छाने हैं। इधर पकौड़ी बना रहे हैं। रोटी पराठा नहीं बनाएंगे, मूढ़ी मूढ़ी खाएंगे हम लोग आज। बच्चा लोग रोटी पराठा इतना पसंद करता था, अभी एको भी खाने मन नहीं कर रहा लोग को। सबको खाना खिला दिए, डॉगी लोग को भी दे दिए हैं। घर का जो ये डॉगी है उसका तबीयत उसका पतला, मतलब ये हो रहा उल्टी हो रहा है, लटरिंग हो रहा है, इसीलिए ऊपर में बैठा है। अभी देखिए डॉगी बच्चा को दिखा रहे हैं कैसे वो लोग खेल रहा है माँ का साथ। वो लोग भी थोड़ा थोड़ा खाना खाया है। ये देखिए यहाँ अंधेरा में बैठा है तीनों और खेल रहे हैं। ये देखिए इसका माँ का पास में। दिन को चावल खाया था, इसका तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा लेटरिंग उल्टी हो रहा है, इसलिए अभी नहीं खाया, चुप से बैठा है। बर्तन धो लिए, मेरे को तो टाइम नहीं मिलता है थोड़ा बैठने के भी लिए, इतना काम करते करते पूरा थक जाते हैं, बैठने मन मतलब टाइम नहीं मिलता। जब भी मिलता है थोड़ा बैठ जाते हैं सीढ़ी पे आके। पहले कुछ भी होता था आदमी को, थोड़ा भी पैर में एक तो कांटा भी मतलब भूख जाए तभी भी डॉक्टर के पास चले। अभी डॉक्टर के पास जाने में सोचना पड़ता है। डॉक्टर तो भगवान का रूप है, लेकिन जो न्यूज में बात सुन के देख के जाने में थोड़ा डर लगता है। भले दवा हुआ ला के घर में खा लीजिए तबीयत ठीक हो जाए, हो नहीं हो, लेकिन डॉक्टर के पास अस्पताल नर्सिंग होम कहीं भी जाने में थोड़ा डर लगता है। सब काम खत्म करके आके बैठे, बच्चा लोग को थोड़ा अच्छा लगा है तबीयत, लोग बैठ के मतलब थोड़ा टीवी देख रहे हैं, उसका पापा लेटे हैं, टॉफी नहीं दूध पिया, टॉफी सोया है ना, घूमने भी जाता, बारिश हो गया, बारिश में घूमने नहीं जाता, इसीलिए मतलब वो सोया है और दूध नहीं पिया। दूध उसको उबाल करके मतलब उसका कटोरी में रख दिए हैं, वो बाद में पी लेगा कभी भी उठ के। आज का काम सब खत्म, आज का
मेरा ब्लॉग भी आज ख़त्म करेंगे। आप लोग सावधान भर किए, कोरोना से सावधान रहिए, सुस्त रहिए, खुश रहिए, अच्छा से रहिए, बाहर मत जाइए, जो ज़रूरी है उसी टाइम जाइए, नहीं तो मत जाइए। अरे घर का अंदर ही अच्छा, मेरा ब्लॉग जरूर देखिए, मेरे को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तब ना हम आगे बढ़ेंगे। आज का ब्लॉग यहीं से करते हैं, कल न्यू ब्लॉग में आप लोग से मिलेंगे। गुड नाइट, बाय।